स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत प्रयागराज की खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की आज पेशी है। कौशाम्बी से प्रयागराज के लिए रवाना माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है प्रयागराज। देर रात कौशाम्बी जिला कारागार किया गया था शिफ्ट। पंकज मैंद अपहरण कांड में पेशी होगी माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी। 2015 में सराफा कारोबारी पंकज मैंद का हुआ था अपहरण। बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर गुर्गों ने अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी थी। आपको बता दें तकरीबन 10 करोड़ की फिरौती जो है मांगी गई थी। जानकारी ये भी है कि 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा को अगवा किया गया था। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित वधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी और अपहरण के बाद फिरौती की मांग की गई थी। तो फिलहाल 2015 का ये पूरा मामला सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र से जुड़ा हुआ, जहां पर अपहरण किया गया था। बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर ही ये काम हुआ था और ये आपको बता दें 10 करोड़ की फिरौती जो है मांगी गई थी। अब माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की आज पेशी हो रही है और 13 थाना अध्यक्ष 60 दारोगा 150 सिपाही जो है वो फिलहाल तैनात किए गए हैं। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, ताजा अपडेट क्या है इस खबर को लेकर, अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बबलू श्रीवास्तव की बात करें तो अब से कुछ देर के बाद उसको प्रयागराज के जो गैंगस्टर कोर्ट है यहाँ पर पेश किया जाएगा। साल 2015 का मामला है। पंकज महन जो सराफा व्यापारी थे उनके अपहरण कांड से जुड़ा मामला है। उनसे फिरौती मांगी गई थी 10 करोड़ की। इस मामले में कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को तलब किया था, जिसके बाद उसको कल ही बरेली जेल से निकाल करके कौशाम्बी जनपद के जो कारागार है वहां पर रखा गया था रात में, और अब कौशाम्बी से उसको रवाना कर दिया गया है। वह ये माना जा रहा है कि अब से कुछ मिनटों के बाद वो प्रयागराज की जो गैंगस्टर कोर्ट है यहाँ पर पेश किया जाएगा उसको, और इस पूरे मामले में उसका जो बयान है वो दर्ज किया जाना है। इसको लेकर के उसने पहले अपनी जान का जो खतरा है वो जताया था। उसने ये कहा था कि वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी करा ली गई। हालांकि कोर्ट ने उसकी मांग को खारिज कर दिया था। व्यक्तिगत तौर पर उसको कोर्ट में पेश करने का जो आदेश है कोर्ट ने पारित किया था, उसी के अनुक्रम में आज उसको जो है गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाना है। करीब 2 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि उसकी यहाँ पर पेशी होगी और इस दरमियान उसके जो उसका जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट दर्ज करेगी और उसके बाद यहीं से उसको बरेली जेल भेजा जाएगा। पूरे अगर बबलू श्रीवास्तव की पेशी की बात करें तो उसकी जो प्रोफाइल है माफिया डॉन की है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भी तमाम जो जरूरी एहतियाती कदम है प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 2 कंपनी जो आरएफ है, पीएसी है, उसकी तैनाती है, दरोगों की तैनाती है, इंस्पेक्टर की तैनाती है, फायर ब्रिगेड की टीम जो है उसको भी लगाया गया है कि अगर किसी तरीके से आपात स्थिति बनती है तो उन तमाम हालात पे जो कंट्रोल की को लेकर के जो कोशिशें होती हैं वो की जा सके। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद बबलू श्रीवास्तव की प्रयागराज की जो गैंगस्टर कोर्ट है वहां पर उसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कौशाम्बी के जिला कारागार से करीब आधे घंटे पहले उसको निकाला जा चुका है वहां से। यानी कि पेशी उसकी होनी है, उस पर निगाह बनाए रखिएगा। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।